हेलो एवरीवन, आईवी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज से पहले के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को खत्म कर दिया, यानी कि सबसे पहले हमने पहला यूनिट पढ़ा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में बहुत सारे इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा सोलर एनर्जी यूनिट में। दूसरा यूनिट है कंसनट्रेटेड CSP, कंसनट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा, बहुत सारे अंदर डिटेल्स में पढ़े, यानी कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आसानी से वहाँ खत्म हो गया था। आज यूनिट स्टार्ट करते हैं एक यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम। चलिए इसमें जानते हैं कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हमको इस यूनिट में पढ़ना है सोलर सेल के बारे में, कि आखिर सोलर सेल होता क्या है। सोलर सेल का आपने नाम सुना होगा, सोलर सेल आप कॉमन लैंग्वेज आप बोलते होंगे सोलर प्लेट, सोलर पैनल, बहुत सारा सोलर मॉड्यूल, ये सब सुने होंगे। क्या है, कैसे है, क्या क्या अंतर है सोलर सेल में, सोलर मॉड्यूल में, सोलर पैनल में क्या क्या अंतर हैं, वो सबको हम वहाँ पे बताएंगे जब डिटेल्स इसके अंदर जाएंगे तब। यानी कि अभी हम सिर्फ ये जानते हैं कि आखिर इस यूनिट में पढ़ना क्या है। इस यूनिट में पढ़ना है सोलर सेल के बारे में, यानी कि सीधा सीधी आप अगर नहीं समझ में आता सीधा सीधी लाइक लोकल लैंग्वेज देखिए, सोलर प्लेट्स के बारे में, सोलर प्लेट के कनेक्शन के बारे में पढ़ना है कि आखिर उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, मतलब कि वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जब दो से को कनेक्ट करना होगा तो कैसे कनेक्ट करेंगे उसके बारे में जानना है, या दोनों में होता है कैसे होता है, उस सब बारे में हम धीरे धीरे क्या करेंगे समझेंगे। यानी कि इसमें सबसे पहले हम समझते हैं आखिर सोलर सेल क्या है। इस यूनिट में सबसे पहले हम टॉपिक समझेंगे कि आखिर सोलर सेल है क्या, सोलर सेल क्या काम करता है। तो सोलर सेल के बारे में आप सीधा से इससे पहले के सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे क्या, कि सोलर सेल होता क्या है और सोलर सेल क्या काम करता है। तो सोलर सेल कुछ नहीं, सोलर सेल एक छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, सोलर सेल एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या काम करता है, वो करता है क्या कि जो हमारे पास लाइट का जो एनर्जी आ रहा है, लाइट एनर्जी बोले तो सीधा सीधे कहते हैं हम सन का जो एनर्जी आ रहा है, जो सन का एनर्जी आ रहा है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि हमारे पास जो सन का जो एनर्जी आ रहा है, सीधा सीधे कहें जो हमारे पास हीट एनर्जी आ रहा है, थर्मल एनर्जी आ रहा है, उसको क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने इससे पहले का जो यूनिट पढ़ा था उसमें यही चीज़ पढ़े थे कि हमारे पास लाइट आ रहा था और हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टरबाइन घुमा के कर दे रहे थे, CSP में हम लोग यही पढ़े। लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है कि उसमें क्या होता था कि मूविंग पार्ट्स होते थे, मतलब क्या कि फ्लूइड मूव कर रहा था, फ्लूइड गर्म हो रहा था तो मूव कर रहा था, फिर क्या कर रहा था कि स्टीम बन रहा था तो स्टीम भी मूव कर रहा था, चलिए वो भी ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि स्टीम क्या करता था, टरबाइन को घुमाता था, वो भी मूव कर रहा था, यानी कि वहाँ पे मूविंग पार्ट ज़्यादा था। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब कि इस यूनिट में जो पढ़ेंगे सोलर सेल जो क्या करता है, ये भी क्या करता है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट इसमें क्या होता है कि मूविंग पार्ट ज़्यादा नहीं होते, मूविंग पार्ट्स होता नहीं है एकदम। सोलर सेल को आप देखे होंगे घर में लगा हुआ, छत पे लगा हुआ, कहीं गली में लगे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे, उसमें क्या देखे होंगे कि सोलर सेल को रख दिए हैं, वो मूव कर रहा है, नहीं मूव एकदम नहीं कर रहा, वैसे ही रखा हुआ है, उसमें क्या कर रहा है, लाइट पड़ रहा है और नीचे बैटरी को चार्ज कर रहा है, या क्या कर रहा है, कहीं पे बल्ब जला रहा है, मतलब कि लोड को ऑपरेट कर रहा है, जैसे नहीं कहता हूँ, यानी कि वहाँ पे मूविंग पार्ट्स नहीं है। लेकिन इसके पहले के यूनिट में क्या था, मूविंग पार्ट्स था, वहाँ पे टरबाइन घूम रहा था, जनरेटर घूम रहा था, नीचे क्या टावर था, कूलिंग टावर था, वहाँ जा रहा था, वो सब बहुत सारा प्रोसेस था वहाँ, यानी कि वहाँ पे मैकेनिकल पार्ट ज़्यादा था, वहाँ पे क्या था कि मूविंग हो रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि सोलर सेल क्या कहेंगे, इस सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे क्या, कि सोलर सेल क्या काम करता है, जो हमारे पास लाइट एनर्जी आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली, बिना किसी मूविंग पार्ट के हुए हुए। अब ये भी जानते हुए क्या कि सोलर सेल क्या जनरेट करता है, डीसी पावर जनरेट करता है, एसी पावर जनरेट नहीं करता है, चलिए भी ठीक है। अब ये भी जानते हैं, नहीं जानते हैं, देखिए सोलर सेल को हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल भी कहते हैं, सोलर पीवी सिस्टम, देखिए आप पहले क्यों लिखा हुआ सोलर पीवी सिस्टम, यानी कि सोलर फोटोवोल्टेइक सेल, देखिए यहाँ समझते हैं ये जो सोलर सेल है उसको हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फोटोवोल्टेइक सेल, तो देखिए हमारे पास जो लाइट आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी आ रहा है, अच्छा इससे पहले एक बात और जान लेते हैं क्या, कि ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो लाइट आता है ना, वो जरूरी नहीं वो सन से ही आए, एकदम जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो लाइट आ रहा है वो सन से ही आए, सूर्य से ही आए। हमारे पास जो आर्टिफिशियल लाइट घर में होता है, घर में आप माचिस जलाते होंगे तो उससे भी लाइट निकलता होगा, उस लाइट से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, एकदम फिक्स नहीं है। आर्टिफिशियल लाइट चाहे बल्ब हो, कोई भी लाइट हो, कोई मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि वो लाइट होना चाहिए, क्योंकि लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सन का लाइट ही एनर्जी का फॉर्म है, सारा लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। यानी कि हमारे पास लाइट एनर्जी आए, चाहे वो सन से आए चाहे आर्टिफिशियल आए, लेकिन मेनली जो हम लोग लाइट लाते हैं कहाँ से लाते हैं, सन से लाते हैं, इसलिए इसको हम लोग सोलर सेल कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले समझिए कि लाइट फिक्स नहीं है कि सन से ही आए, कोई भी लाइट हो सकता है। दूसरा क्या, इसको फोटोवोल्टेइक सेल कहते हैं, इसलिए कि हमारे पास क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है,
यानी लाइट आ रहा है तो हम आपको पढ़ाए थे कि जो सन से जो लाइट आता है वो किस फॉर्म में आता है, तो फोटोन्स के फॉर्म में आता है, यानी बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आता है। उस बंडल ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते थे, फोटोन कहते थे। फोटोन हमारे पास आ रहा है, सोलर सेल पर पड़ रहा है और सोलर सेल क्या कर रहा है, वोल्टेज जनरेट कर रहा है। यही प्रोसेस हो ना, कैसे जनरेट कर रहा है उसको बताइए। अभी क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है लाइट, वो क्या कर रहा है, फोटो सेल क्या कर रहा है, फोटोवोल्टेइक सेल क्या कर रहा है, या कहें तो सोलर सेल क्या कर रहा है, उसको वोल्टेज को जनरेट कर रहा है। यानी कि हमारे पास फोटोन आ रहा है, देखिए फोटोन आ रहा है और जनरेट कर रहा है वोल्टेज, यानी कि फोटोन से बना फोटो और वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उसको कहेंगे वोल्टेज। इसलिए इस सेल को हम लोग नाम दिए हैं फोटोवोल्टेइक सेल, पीवी सिस्टम। ठीक है, यानी यहाँ तक समझिएगा कि फोटोवोल्टेइक सेल क्या होती है, क्यों कहते हैं इसको, पहला बात। दूसरा बात क्या चीज, ये भी जान गए कि लाइट रेज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल का एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तीसरा बात ये भी जाने क्या चाहिए कि ये डीसी पावर को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, अब होता है क्या कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब बनता है तो किसी प्रिंसिपल पर बनता है, कोई ना कोई प्रिंसिपल पर बनता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, कोई प्रिंसिपल पर काम करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक भी डिवाइस है, तो ये क्या काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सॉरी क्या करता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के प्रिंसिपल पर। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आप इससे पहले पढ़े होंगे, क्या चीज़ पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन का प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से निकालना है तो कितने बहुत तरह का प्रोसेस पड़े होंगे, जिसमें से एक प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मतलब कि क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर पे लाइट को फॉल कराया जाता है, जब नहीं कंडक्टर पे किसी भी मटेरियल पे, किसी भी मटेरियल मतलब कि कोई स्पेसिफिक मटेरियल, सेमी कंडक्टर हो, कंडक्टर हो, तो क्या होता है जब उस मटेरियल पर लाइट को फॉल्स कराया जाता है, लाइट को फेंका जाता है, लाइट को भेजा जाता है, तो जब वर्क फंक्शन तो आप जानते नहीं होंगे, छोड़िए यहाँ पे क्या है कि अगर जानते हैं तो अभी क्या होता है कि इसमें क्या, जब हम लाइट को देते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होता है, जब सफिशियंट एनर्जी यहाँ पे जमा हो जाता है, तो जमा एनर्जी जब हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। यानी कि किसी भी, यानी कि ये जो सेल है वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के प्रिंसिपल पर। यानी कि इसमें भी होता है क्या चीज कि लाइट भेजते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे होता है वो हम देखेंगे जब आगे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे तब, लेकिन अभी क्या जानिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। अब चलिए समझते हैं क्या जी कि सोलर सेल का जो सोलर सेल क्या कर रहा है, वोल्टेज जनरेट कर रहा है, तो वोल्टेज जनरेट कर रहा है ये देखा हुआ बात, इसलिए डायरेक्ट आपको भी समझा रहे हैं, उसके बाद नहीं तो फिर कंस्ट्रक्शन फिर समझाएंगे। पहले देखिए क्या है कि जो सोलर सेल देखे होंगे क्या कि जब तेज धूप होता है तो ज़्यादा लाइट, मतलब जो सोलर सेल लगा दिए हैं और घर में बल्ब को जला रहे हैं तो तेज धूप करता है ना, तो क्या होता है कि वो जो बल्ब होता है वो तेज जलने लगता है। यानी कि जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जो पावर जनरेट हो रहा है, वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सबसे पहले क्या, जो हमारे पास लाइट है, जो हमारे पास सनलाइट है वो कितना इंटेंसिटी उसका क्या है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा बात क्या चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम एक छोटा सा सोलर प्लेट लेंगे तो छोटा पावर जनरेट करेगा, बड़ा सा पावर सोलर प्लेट लेंगे वो बड़ा पावर जनरेट करेगा। मान लेते हैं कि हम एक छोटा सा इतना वाला ही, अभी क्या है छोड़िए, अभी मान लीजिए सोलर प्लेट है तो इस सोलर प्लेट में जितना पावर हम इस पर दे रहे हैं वो कुछ पावर जनरेट कर रहा है, और एक सोलर प्लेट में पूरा बोर्ड इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला सोलर प्लेट वो ज़्यादा पावर को जनरेट करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी कि पावर जो जनरेट हो रहा है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, पहला इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ कैसे और कितना रहा है। दूसरा क्या है, ये नहीं कि बादल किए हुए हम खोजेंगे बहुत पावर मिले, ऐसा तो होगा नहीं, यानी कि लाइट ज़्यादा रहना चाहिए, सफिशियंट रहना चाहिए ताकि वहाँ पावर ज़्यादा जनरेट हो। दूसरा बात है क्या, वो डिपेंड करता है एरिया पर डिपेंड करता है, यानी कि उसका जो एरिया कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वो पावर कितना जनरेट करेगा, जितना ज़्यादा पावर ज़्यादा एरिया हो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। दो बात, तीसरा बात है क्या चीज, वो इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करता है। क्या इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन क्या होता है, देखिए जैसे कि सूर्य है, सन है, तो सन के साथ अगर इंक्लाइन करके हम अगर रखेंगे, कुछ इंक्लाइन एंगल पर रखेंगे तो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। अब मान लेते सोलर प्लेट सन ऐसे होगा, सोलर प्लेट को ऐसे फिर रख दिए हैं तब पावर भी जनरेट करेगा लेकिन कुछ पावर कम जनरेट करेगा, और वही सन की तरफ इसको इंक्लाइन करके इसे घुमा देंगे, इसको सन को ऐसे घुमा देंगे, हाँ घुमा, मान लीजिए सोलर प्लेट है इसको अगर सीधे रखे हुए हैं तो कुछ पावर जनरेट करेगा लाइट पर, ठीक है, लेकिन इसको जस्ट सन की तरफ घुमा देंगे तो कुछ ज़्यादा ही पावर जनरेट करेगा। लेकिन तीन बातों पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि पावर आखिर कितना जनरेट कर रहा है, पहला इंटेंसिटी क्या रहा है, दूसरा कितना उसका एरिया है, तीसरा उस इंक्लाइनेशन विद सन, यानी कि सन के साथ कितना एरिया इंक्लाइनेशन ग्राउंड बोलिए, यानी कि सन की ओर कितना वो झुका हुआ है, कितना इंक्लाइनेशन है, यानी कि कितना एंगल पे है, उस पर डिपेंड करेगा। यानी इतना बात हम लोग सिर्फ कॉमन बात जानते हैं क्या होता है नहीं होता है। अब जरा समझते हैं थोड़ा सा सोलर सेल में जा करके अंदर, क्या कि सोलर सेल में ऐसा होता क्या क्या चीज़ है। तो सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले समझेंगे तो कंस्ट्रक्शन ये होता है, यही है क्या सोलर सेल, तो ये कंस्ट्रक्शन है क्या है कैसे, अब जरा सा समझते हैं थोड़ा सा, यही क्या होता है
सबसे पहले जो सोलर सेल होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना हुआ होता है। सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना होता है। सोलर सेल सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सा सेमीकंडक्टर? तो जनरली वो सिलिकॉन का बना होता है। किस चीज का? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एक बार होता है, ठीक है ना, यानी कि जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। दूसरा देखते हैं कंस्ट्रक्शन में, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ऊपर में सबसे पहले आप देखें तो सोलर प्लेट के ऊपर में ग्लास होता है। क्या होता है? सीसा ग्लास होता है। वहां पर ग्लास क्या करता है? ग्लास क्या काम करेगा? लाइट को अंदर जाने देगा और जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? देखिए जो ग्लास होता है वो ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास का मतलब होता है क्या चीज? कि लाइट भी आसानी से अंदर जाने देगा, ठीक है। अब ग्लास जो होता है वो क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है कि मान लेते हैं कि सोलर प्लेट आप छत पर रख दिए हैं तो बारिश जब होता है तो उसको आप ढक भी जाते हैं? नहीं, एकदम नहीं ढकने जाते हैं। रात में अगर ठंडा का दिन है, अगर कुहा पड़ रहा है या कुहासा किए हुए है तो क्या हो रहा है? उसमें कुछ सीत जमा हो जाता है, तो क्या रात को आप क्या कर देते हैं? उसको ढकने जाते हैं कि इसमें सीत नहीं जमा हो? एकदम नहीं। अंदर ये क्या करता है? ग्लास है उसको प्रोटेक्ट करता है कि अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोसेस अंदर होता होगा उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा कि बाहर पानी बारिश हो रहा है, चाहे फूल कर उड़ रहा है, चाहे ओला गिरता है, जो भी गिरता है, बर्फ गिरता है, पत्थर गिरता है, तो क्या होता है कि कंडीशन ऐसा नहीं आए कि इसमें क्या हो, खराबी आए। इसलिए क्या होता है? वो ग्लास से बना हुआ होता है, ठीक है। ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है ताकि लाइट को अंदर जाने दे। लाइट अंदर जाएगा तब काम होगा। फिर क्या होता है अंदर में? क्या होता है? पी एन जंक्शन होता है। क्या होता है? पी एन जंक्शन। जो पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर बने होंगे पी एन जंक्शन। अच्छा, इसको समझने से पहले एक बात और ये बता देते हैं क्या कि आप अच्छा से, आप क्योंकि आप दो बार शायद दो सेमेस्टर में अच्छा से सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, पी एन जंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है पी एन जंक्शन, क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर, उसके बारे में आप पढ़ लिए हैं। उसको आप बहुत अच्छा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा से, तब आपको ये बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा डाउट दिमाग में हमेशा बनते रहेगा। यानी कि उसको पहले एक बार अच्छा से डिवाइड कर लीजिए कि सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे दोनों बनता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, वहाँ पे बैरियर पोर्टेबल इनसे बैरियर कैसे आता है, वहाँ पे क्या डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, वो सब आप अच्छा से एक बार समझ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा से एकदम इसमें डाउट ज़्यादा एकदम नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ समझते हैं कि सबसे पहले क्या बनता है, पीएन जंक्शन होता है। क्या होता है? पीएन जंक्शन, जिसमें नीचे का लेयर पी टाइप होता है, ऊपर का लेयर एन टाइप होता है। नीचे का पी टाइप, ऊपर का एन टाइप। ऊपर के लेयर पतला बनाया जाता है, यानी जो एन टाइप होता है वो थीन होता है। देखिए पी टाइप थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, एन टाइप थोड़ा छोटा है, पतला है। अब क्यों होता है उसको नहीं देखिए, पहले देखिएगा सिर्फ कंस्ट्रक्शन समझिए क्या कि ऊपर का लेयर क्या होता है, पतला होता है, नीचे का लेयर मोटा होता है। नीचे का लेयर पी टाइप होता है, ऊपर का लेयर एन टाइप होता है। अब देखिए ऊपर जो एन टाइप है उसका थिकनेस कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? थिकनेस होता है। चलिए इसका जो थिकनेस है 0.3 माइक्रोमीटर है, नीचे वाला का जो थिकनेस होता है थोड़ा चौड़ा होगा तो इसका होता है 300 माइक्रोमीटर। ये थोड़ा चौड़ा होता है, थोड़ा पतला होता है। समझेंगे कि चौड़ा क्यों बनाया गया, पतला ये पतला क्यों बनाया गया, चौड़ा क्यों बनाया गया, बाद में समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं जो एन टाइप होता है ना, वो एन टाइप हाइली डॉपिंग किया होता है। इसमें ये हाईली डॉप्ड होता है, पढ़े होंगे हाईली डॉप्ड, लाइटली डॉप्ड। तो यहाँ पर जो एन टाइप होता है वो हाईली डॉपिंग किया हुआ होता है। ऊपर का जो लेयर होता है वो हाईली डॉप्ड होता है, इसको हम लोग एन टाइप, जो एन टाइप है वो हाईली डॉप्ड होता है। और जो डोपिंग किया होता है, आप लोग डोपिंग भी पढ़े होंगे जब, कि डोपिंग जो करते हैं कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो बोरोन का ऐड करते हैं। एन टाइप हाईली डॉप्ड होता है, पतला होता है, इसका थिकनेस जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है, और ये जनरली डॉपिंग किया जाता है वो बोरॉन से किया जाता है। इतना बात अभी याद रखिए, कंस्ट्रक्शन अभी देख रहे हैं क्या हो कैसे तो समझेंगे ही। फिर क्या है कि ये पी टाइप जो है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। पी टाइप क्या है? चौड़ा है। चौड़ा है यानी कि थिकनेस कितना? 300 माइक्रोमीटर है। और क्या होता है पी टाइप जो होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है, लो डॉपिंग होता है इसका। और ये जो डॉपिंग किया जाता है जनरली फास्फोरस से किया जाता है। इसको एन टाइप बना दिए हाई डॉप करके बोरॉन से, इसको हम लोग पी टाइप बना दिए लाइटली डॉप करके कैची से, तो बनाए हैं फास्फोरस से। चलिए ये समझ गए इस क्लास समझ गए। अब क्या होता है जहाँ पे एन मिलेगा जहाँ पे पी मिलेगा, एन और पी यानी कि जहाँ पे बनाते थे वहाँ पे क्या बनता था? एक पी एन जंक्शन बनता था। ये तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर एन टाइप और पी टाइप मिलाते थे तो वहाँ पे क्या होता था? पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन होता था, वो समझेगा। अभी देखिए फिर क्या है, अब देखिए मान लेते हैं कि एक सेल बन गया, मान लीजिए अभी क्या बन गया? सेल बन गया, सोलर सेल बन गया। जब ये सोलर सेल बन गया तो समझते हैं क्या जी
कि सोलर सेल जब आना है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट भी तो करना है हमको, तो इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करते हैं एक नीचे से एनोड जिसको कहते हैं नीचे से, यानी कि पी टाइप में मिडिल साइड में क्या लगा देते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं। प्लेट यानी जो करेंट बहेगी प्लेट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो करेंट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। नीचे एक इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं जो मेटल का कॉन्टैक्ट होता है, जो ये बना होता है वो जनरली कॉपर का बना होता है। ये जो बना होता है कॉपर का बना होता है, यहाँ से एक टर्मिनल निकाल देते हैं एनोड, दूसरा टर्मिनल निकालेंगे एक पी से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है एक एन से निकालेंगे। तो एन से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोड एक टर्मिनल बनाते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रोड को निकालते हैं, उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड। मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड सबसे पहले क्या है, मेटल का बना होता है। दूसरा हम उसको फिंगर इसलिए बोल रहे हैं कि ये फिंगर के शेप का बना होता है, उसको भी समझते हैं कैसे शेप का बना होता है। ये क्या है, क्यों बना होता है वो भी समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि ये ऊपर से एक इलेक्ट्रोड को निकालते हैं जिसका नाम है कैथोड। ओके, यहाँ तक समझ पाए। अब देखिए जो ऊपर का इलेक्ट्रोड होता है वो फिंगर शेप का कैसा बना होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से त्रिशूल देखे होंगे आप लोग। तो क्या होता है, कुछ इस शेप का क्या होता है ऊपर का इलेक्ट्रोड, मान लेते ऊपर का सर्फेस, हम ऊपर के सर्फेस से हम लोग लिए हैं व्यू, तो व्यू भी देखने कुछ देखिए इस ऊपर से जब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये इस शेप का बना होता है, यानी कि फिंगर शेप का बना होता है। देखिए फिंगर जैसा लग रहा है ना, ये क्या कर रहा है, त्रिशूल का शेप यानी कि फिंगर के शेप का जनरली ये बना होता है। अब ये फिंगर शेप का बना होता है, यहाँ पे देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि फिंगर शेप का क्यों बना है, ये फिंगर शेप का नहीं बना होता, जो नीचे वाला इलेक्ट्रोड होता है वो पूरा प्लेन होता है, पूरा पूरा कवर किए हुए होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि जैसे ये प्लेट है प्लेट की तरह होता है, मान लेते हैं कि पूरा का पूरा प्लेट को हम लोग क्या करते हैं ऊपर से रख देते हैं, नीचे वाले पूरा का पूरा प्लेट को हम ऊपर से ढक देते हैं, पूरे के पूरे प्लेट को हम क्या करते हैं ऊपर से ढक देते हैं। तो क्या होगा, ऊपर से लाइट अंदर जा पाएगा, अंदर ऊपर से लाइट नहीं जा पाएगा। यानी कि जैसे ये कहते कि अगर हम लोग इसी प्लेट को लेकर के ऊपर ऐसा ही प्लेट ऊपर से ढक देंगे तो अंदर लाइट घुस ही नहीं पाएगा, अंदर लाइट घुस नहीं पाएगा तो बिजली नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइट क्या हो जाए, अंदर चला जाए, अंदर मोस्ट ऑफ द लाइट चला जाए और हमको बिजली भी कलेक्ट हो जाए। तो देखिए ऐसा अगर बना देंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बिजली कलेक्ट हो जाएगा, यानी जो पावर है वो कलेक्ट हो जाएगा, जो भी पावर जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और बाकी जगह से क्या हो जाएगा, लाइट अंदर इंटर कर जाएगा। यानी ये भी आप समझ लेंगे कि ऊपर का जो शेप होता है तो कैसा बनाते हैं, तो फिंगर शेप का बनाते हैं, मेटल फिंगर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड होता है, मेटल फिंगर कॉन्टैक्ट भी बोलिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेटल का कॉन्टैक्ट नीचे का होता है जो पूरा प्लेन होता है, नीचे फिंगर नहीं होता, फिंगर शेप का नहीं होता है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब जरा समझते हैं कि सर ये तो हम समझ गए ग्लास का क्यों बना होता है, कि लाइट को क्या करना है अंदर जाना है, लाइट को अंदर जाना है। दूसरा बात क्या होता है कि ये पतला क्यों बना है, सर ये मोटा क्यों है, ये पतला क्यों है, सबसे समझते हैं इन टाइप जो होता है वो पतला क्यों होता है। देखिए जब हम लोग सेल जो सोलर सेल है, सोलर सेल के पास अंदर लाइट घुसा रहे हैं, अंदर लाइट क्या कर रहे हैं इंटर करवा रहे हैं, तब लाइट को हमको ना ए के पास पहुंचाना होता है ना पी के पास। जनरली हमको लाइट को कहाँ पहुंचाना होता है, जंक्शन के पास। ये जो पीएन जंक्शन बनता है, ये जो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन बन रहा है उस पीएन जंक्शन के पास लाइट को पहुंचाते हैं। और पीएन जंक्शन हम जानते हैं जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब कि उस पर वहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब चार्ज कैरियर नहीं होता है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार पढ़िए पीएन जंक्शन, वहाँ पर पता चल जाएगा, पीएन जंक्शन आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज कैरियर नहीं होता है। अब जब चार्ज कैरियर नहीं है यहाँ पर, तो क्या होता है एटम टूटता है, यानी कि मेनली जो लाइट पहुँचाना होता है वो हमको पहुँचाना होता है कहाँ पर, जंक्शन के पास, पीएन जंक्शन के पास। कैसे पहुँचाना होता है, अगर मान लेते हैं कि इसको चौड़ा बना देंगे, एन टाइप को अगर चौड़ा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो क्या होगा कि लाइट जितना पहुँचना चाहिए, जितना लाइट पहुँचना चाहिए उतना नहीं पहुँच पाएगा, पहुँचेगा लेकिन थोड़ा कम पहुँचेगा, यानी जितना लाइट अगर पहुँचना है उतना लाइट यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। ये भी समझ गए कि ये पतला क्यों बनाए, पतला इसलिए बनाए कि ताकि मोस्ट ऑफ द लाइट क्या हो, जंक्शन के पास पहुंच जाए, ठीक है, जंक्शन के पास मोस्ट ऑफ द लाइट पहुंच जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, इसको पतला बनाए हैं। चल ये भी समझ में आ गया। अब जब इसको पतला बनाए हैं, इसको जब पतला बनाए तो कंपेरिजन के बाद है कि इससे तो पतला ही हुआ, मतलब कि तो थोड़ा चौड़ा ही होगा, ठीक है, चौड़ा क्यों, यहाँ तक समझ में। अब जरा सा समझते हैं क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, कंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक ग्लास होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसा होते हैं, फिंगर शेप का क्यों होता है, ग्लास मटीरियल ट्रांसपेरेंट होता है क्यों होता है वो भी पता चल गया, ठीक है। आपको पतला क्यों होता है ये पता चल गया, ऊपर मेन टाइप होता है, नीचे पी टाइप होता है, और नीचे में क्या होता है, मेटल का कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ से एक टर्मिनल और यहाँ से एक टर्मिनल निकाल देते हैं, बिजली बन जाता है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब समझते हैं इसका वर्किंग को जरा सा, कि ये वर्क कैसे करता है, ये कैसे बिजली बनाता है, हम लोग लाइट देते थे बिजली कैसे बना देता है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसमें जरा सा आते हैं।
यहाँ पे इसमें हम उजरस आते हैं। इसमें आते हैं क्या, देखिए लाइट भले ऊपर से ऐसे पड़ रहा है लेकिन पड़ रहा है तो पूरे जंक्शन पर पड़ रहा है, तो हम लोग इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए लाइट को हम लोग कर देते हैं कि जंक्शन पर ऐसे पड़ रहा है, लाइट जंक्शन पर कुछ इस प्रकार से पड़ रहा है मान लेते हैं, ठीक है। अब लाइट जब इस पर पड़ रहा है तो हम लोग जानते हैं क्या, देखिए आपने डीएनए ऐसा बनाया होगा तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि इधर से क्या होता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, इसलिए इधर प्लस साइन आ जाता है और इधर से इधर साइड होल्स होते हैं, जो होल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इधर साइड से, इधर निगेटिव साइन आ जाता है। ये तो आप वहाँ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप अच्छे से देखिए एक बार, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो प्लस से निगेटिव शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस का एक्सेप्शन माइनस डायरेक्शन की ओर होता है। एक पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ किया नहीं है, ये आपको पढ़ा हुआ था, हम यहाँ पे सीधे ला करके अप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको हम लोग जब देख रहे हैं इस पीएन जंक्शन को, यहाँ पे जूम करके कुछ इस प्रकार से लाएं, मान लेते हैं कि जंक्शन पे लाइट वहाँ पहुँचा देते हैं, यहाँ पे जंक्शन पे लाइट मान लीजिए ऐसे पहुँच रहा है, पहुँचेगा एन टाइप से होते हुए, एन टाइप से होते हुए, लेकिन हम मान रहे हैं कि यहाँ पर से ऐसे पहुँच रहा है समझाने के लिए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे क्या है एटम है, यहाँ पे क्या होगा सिलिकन होगा, सिलिकन का बना हुआ है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे सिलिकन होगा, तो सिलिकन होगा यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसका मतलब ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना होल्स होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा क्या होता है भरा हुआ होता है, मतलब कि जो चारों का चारों वैलेंसी होता है क्या होता है भरा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं भरे हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि जैसे इस पर लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ा इस पर, यानी कि मान लीजिए इस पर लाइट पड़ा, इस पर लाइट पड़ा तो क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर लाइट जैसे ही पड़ता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी आ जाता है और एक एनर्जी क्या करता है इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटा देता है, मतलब यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाता था और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते थे। ये आप जानते होंगे जैसा कि वहाँ पे हो रहा था सेमीकंडक्टर में प्रोसेस होते रहता है, जैसे ही इस पर लाइट पड़ता है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद क्या करता है ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ जाता है और बाहर आ करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और यहाँ पे होल्स जनरेट हो जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक सिलिकन, ऐसा ऐसा बहुत सारा सिलिकन यहाँ पे है और बहुत सारे सिलिकन के साथ क्या होगा ऐसा प्रोसेस होगा, यानी कि इस रीजन में जहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन था जो पीएन जंक्शन था, इस पीएन जंक्शन पे एटम क्या होंगे टूटने लगेंगे, जो एटम थे वो एटम क्या होने लगेंगे टूटने लगेंगे और टूटे टूटे मतलब टूटने लगेंगे मतलब क्या हो गया वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर से निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगेगा, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और बहुत सारे फ्री होल्स बन जाएंगे मतलब होल्स बन जाएंगे। चलिए यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैसे जनरेट होते हैं, यानी कि यहाँ पर लाइट पड़ा और यहाँ पे क्या होता है एटम टूटने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होने लगते हैं जनरेट होने लगते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ से देखिए साफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए क्या चीज़ इधर से इधर क्यों बढ़ रहा है क्यों नहीं नहीं बन नहीं सुनना है, तो एक बार आप उसको पीएन जंक्शन को अच्छा से एक बार पढ़िए जो आप सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे, चलिए पिछले सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे। चलिए देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से ऐसे बनता है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर। अब चलिए इसको हटा देते हैं, इसको समझिए यहाँ तक, अब इसको जरा सा हटा देते हैं और इसलिए क्यों हटा रहे हैं ताकि क्लियर अच्छा से दिखे। देखिए क्या बता रहे हैं, अब क्या हुआ कि यहाँ पर आइटम्स बहुत सारे टूटे हैं, बहुत सारे आइटम्स टूटे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुआ, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और बहुत सारा होल्स जनरेट हुआ, मान लेते हैं कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से जनरेट हुआ और बहुत सारा होल्स भी जनरेट हुआ। चलिए होल्स भी दिखा दिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा दिए, मतलब कि बहुत सारा होल्स भी जनरेट हो गया बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट हो गया है यहाँ तक देख लिया। अब क्या है हम लोग ये भी जानते हैं आप पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में ही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे क्या, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज कैरियर को रखते हैं तो उस चार्ज पे क्या लगता है फोर्स लगता है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो हम जानते हैं निगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उससे क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। और हम ये भी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो एफ वाई टी होता है, यानी कि फोर्स वाई चार्ज होता है। अगर फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू यानी कि यहाँ पर क्या है चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है चार्ज है, मतलब क्या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या चार्ज ही है उसमें निगेटिव चार्ज होता है, अब यहाँ पर क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के कारण यहाँ पर क्या हमें लगता है फोर्स लगता है, क्या लगता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया चार्ज भी आ गया जिसके कारण क्या लगता है फोर्स लगता है, यानी कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स लगता है, अब फोर्स लगता है अब ये नहीं समझ माना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड जाएगा या इधर साइड जाएगा, ये तो हमको पता नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड में जाएगा या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड में जाएगा, तो देखिए ये भी आप जानते होंगे ऐसे नहीं जानते हैं तो
जान लीजिए, या पहले आप अगर नहीं है तो आप बुक पढ़िए, एक बार देखिए, पिछला सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे तो याद ही होगा। क्या पढ़ेंगे कि जो निगेटिव चार्ज होता है वो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगता है वो इधर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि इधर से इधर, यानी कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, इधर मूव करने लगते हैं, यानी कि इधर साइड, यानी इधर कौन सा साइड था, एन साइड था, इधर कौन सा साइड था, पी साइड था, तो एन साइड की तरफ ही क्या करने लगते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर मूव करने लगते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इधर जमा होने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है निगेटिव, यानी कि समझिए कि निगेटिव इधर जमा होने लगेगा, ठीक है ना, वैसे मतलब निगेटिव जमा होने लगेगा। अब होल्स क्या है, होल्स पे वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज होता है जानते हैं, तो होल्स किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, यानी कि होल्स किधर मूव करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करता है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में है, यानी कि होल्स इधर मूव करेगा, यानी कि इधर का साइड मूव करेगा, तो होल्स के डायरेक्शन में होल्स इधर जमा होने लगेंगे, होल्स किधर जमा होने लगेंगे, होल्स इस साइड जमा होने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर होने लगेंगे, यानी कि इधर क्या बनने लगेगा, वर्चुअल पॉजिटिव बनने लगेगा, इधर निगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो बन ही रहा है। अब आगे देखते हैं कैसे कि जब इलेक्ट्रॉन्स जब इधर निगेटिव चार्ज आने लगे हैं तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले मैंने करेंट को कलेक्ट करने के लिए, चार्ज को कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लगाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर निकालेंगे तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लेते हैं क्या, अब मान लेते हैं क्या, इधर तो समझ गए हैं, अब मान लेते हैं क्या, अब देखिए क्या मान लेते हैं, यहाँ से एक लोड को हम लगा देते हैं, रेजिस्टेंस, यहाँ मान लीजिए कोई लोड है, यानी कि बल्ब है या कोई लोड है कुछ भी है, अब क्या करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है और इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से मूव करने लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, निगेटिव पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, वोल्टेज क्रिएट हो गया, प्लस माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वोल्टेज क्रिएट हो गया। अब जब यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ इसको सर्किट को क्लोज कर देंगे, सर्किट को क्लोज कर देंगे, सर्किट को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा कि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर आने लगेगा और होल्स कुछ ऐसे मूव करने लगेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर गया है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, तो करेंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के चर्चा कोई डायरेक्शन में करेंट फ्लो करता है, यानी कि प्लस से करेंट इधर फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो लाइट दिए थे, कंक्लूजन देखिए कि लाइट दिए थे, लाइट देने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर बिजली बन गया, लाइट इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करने लग गया, यही होता है सोलर सेल का वर्किंग, यानी कि सोलर सेल पे जब हम लाइट देते हैं तो पीएन जंक्शन जो होता है वो टूटने लगता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, टूटने लगता है, और पीएन जंक्शन टूटने के साथ साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर बिजली बना देता है। यहाँ पे समझ में आया वर्किंग, ये वर्किंग यही है क्या कि जैसे ही लाइट देते हैं, इनकी लाइट देते हैं, पीएन जंक्शन का क्या होता है, टूटने लगता है, और पीएन जंक्शन टूटने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर बिजली, यानी कि लोड से क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये जो कैथोड है, कैथोड से एनोड की तरफ होगा, इसको कैथोड बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे पॉजिटिव वाला को, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एनोड टू कैथोड होगा, ये आउटसाइड सर्किट में आपको यहाँ पर से दिख रहा होगा। अब देखते हैं जरा सा, ये तो समझ में, अब जरा सा जानते हैं इसके बारे में कि देखिए क्या है, एक तरह से क्या कर रहा है, वोल्टेज को जनरेट कर रहा है, एक तरह से वोल्टेज को जनरेट, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो सिंबल होगा, सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, वोल्टेज का सिंबल कुछ इस प्रकार से देखेंगे डीसी का। अब यहाँ पर गोल करके यहाँ पर इसलिए इसको दिखाते हैं कि ये लाइट को इंडिकेट करता है, मतलब कि जब इस पर लाइट पड़ता है तब ये वोल्टेज को जनरेट करता है, ये इसका सिंबल हो गया। ऐसा कुछ रेटिंग है कि आखिर वोल्टेज को जनरेट तो कर रहा है, ये भी देख लीजिए क्या चीज़ कि ये डीसी को जनरेट कर रहा है, फिक्स है कि इधर निगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा, तो डीसी को जनरेट कर रहा है। अब जब डीसी को जनरेट कर रहा है तो कितना वोल्टेज को कर रहा है, कितना वोल्टेज इसमें जनरेट हो रहा है, इसमें जो वोल्टेज आता है वो 0.5 वोल्ट से लेकर के 0.6 वोल्ट तक होता है, 0.5 वोल्ट से लेकर के 0.6 वोल्ट तक। इसका कुछ इफिशियंसी भी होगा, इफिशियंसी आपको पूछते रहता है कि आखिर इफिशियंसी कितना होता है सोलर सेल का, तो सोलर सेल का जो इफिशियंसी होता है याद रखिएगा 15% होता है, लगभग 15% इफिशियंसी होता है, 15% एफिशिएंसी होता है। वोल्टेज होता है 0.5 वोल्ट से लेकर 0.6 वोल्ट तक होता है, कुछ पावर को भी जनरेट करेगा, तो जो पावर कितना जनरेट करता है, तो 1 वोल्ट से 1 वाट से लेकर के 1.5 वाट तक,
वन वाट से लेकर के 1.5 वाट तक। अब क्या होता है, कुछ करेंट डेंसिटी होता है, करेंट डेंसिटी आप पढ़े होंगे एरिया, करेंट पर यूनिट एरिया, कि कितना करेंट डेंसिटी इसका रेटिंग होता है, इसका जो करेंट डेंसिटी होता है वो 40 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 40 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब क्या इसका एक डाटा है जो आपको याद रखना है। फिर क्या होता है, इस सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी करते हैं, इस सेल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल भी करते हैं। चलो अब जरा सा आप यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, तो अब इसका क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में समझते हैं। सोलर सेल लगा दिए हैं तो सोलर सेल का क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि कोई पॉल्यूशन करेगा नहीं करेगा, छत पे लगा दिए कोई पॉल्यूशन कर रहा है, इससे बिजली भी बन रहा है, क्या हो रहा है पॉल्यूशन नहीं भी कर रहा है, एकदम क्लीन होगा। कभी देखें सोलर सेल को हल्ला करते हुए नॉइजी, एकदम नॉइजी एकदम नहीं होता है, यानी हल्ला तो एकदम नहीं करता, एकदम शांति से काम करता है, क्लीन होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है। कि इसमें देखिए होगा जी कि आप छत में लगा देते हैं, अगर छत पर लगा देते हैं तो छत पर लगा देने से क्या काम करता है कि उसको बार बार हमको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं बहुत ही कम मेंटेनेंस करना पड़ता है। छत पर लगा दिए तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद एक बार मेंटेनेंस होगा, कितना लोग वो भी नहीं करते हैं, यानी कि सर जो मेंटेनेंस होता है बहुत ही कम होता है। फिर क्या होता है, इसमें कोई भी मूविंग सिस्टम नहीं है, मूविंग सिस्टम नहीं होने से जो मूविंग लॉसेज होते थे वो लॉसेज नहीं होते हैं। फिर क्या है, इसमें किसी भी तरह का बाइसिंग यूज नहीं करते हैं, कहीं आप लोग देखें तो फोटो डायोड पढ़े होंगे तो फोटो डायोड में क्या करते थे, बाइसिंग यूज करते थे, रिवर्स बाइसिंग, यहाँ पर वैसा कोई बाइसिंग यूज किए हैं नहीं, वो चुपचाप इसको लगाए फूट से ही करेंट को फ्लो करने लग गया, कोई बाइसिंग नहीं इसमें। इसका लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 20 साल तक एक सोलर प्लेट लगे हैं तो 20 साल तक चलने जाता है, कहीं भी आप देखिएगा सोलर प्लेट एक बार लगा दिया है तो 10 साल 15 साल तक चल रहा है, जो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ कुछ खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सबका सभी होता है, हाँ लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले सोलर प्लेट तो कॉस्टली पड़ता है, ये तो सिंपल आप जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है कॉस्टली पड़ता है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बादल कर दिया या बादल करने के बाद या रात हो गया तो क्या होता है, ये ऑपरेट नहीं कर पाता है, ये काम नहीं कर पाता है, दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, अगर पावर को स्टोर करना है तो और कॉस्ट पैसा लगेगा, मतलब कि बैटरी खरीदना पड़ेगा, यानी कि पावर को स्टोर करने के चलते क्या होता है और थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है, क्या चीज़ और कॉस्ट बढ़ जाता है। अब क्या होता है, जो हमारे पास लाइट आ रहा है वो कभी फिक्स नहीं आता है, कभी तेज कभी थोड़ा कम, कभी बहुत ज़्यादा तेज आ जाता है, बहुत आता ही नहीं, बादल कर देता है, कभी थोड़ा धूप बादल करते रहता है, तो क्या होता है रिलायबिलिटी बहुत थोड़ा सा कम हो जाता है, कि हम कैसे उस पर भरोसा कर लें कि वो हमको जब जरूरत हो तो हमको देगा ही, वैसा तो नहीं होगा, फिक्स नहीं है, रिलायबिलिटी क्या होता है बहुत ही कम हो जाता है। ये सब भी डिसएडवांटेज था। अप्लीकेशन भी होता है कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप सिंपल जानते हैं कि सोलर सेल का यूज सबसे पहले सोलर पैनल में करते हैं, ये सोलर प्लेट में करते हैं, इसको करते हैं पहला। दूसरा क्या होता है कि आप जो कैलकुलेटर यूज करते होंगे, कैसे खरीदे होंगे तो देखेंगे वहाँ पर क्या होता है एक सोलर सेल लगा होता है, सोलर सेल यानी कि छोटे छोटे ऐसे ऐसे जगहों पर क्या करते हैं हम लोग इसका यूज करते जाते हैं, और वहाँ पर जहाँ पर हमको लाइट से क्या बनाना होता है, बिजली बनाना होता है, उसके उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। यानी कि आज हम लोग क्या देखें, सिर्फ सोलर सेल को देखें कि आखिर सोलर सेल क्या होता है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे वो बिजली बनाता है, कैसे उसका वर्किंग होता है वो समझे, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, क्या उसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज समझ लिए हैं। अब आगे का जो इसका वीडियो है वो थोड़ा सा देखेंगे, सिंबल भी देखेंगे कि आखिर सिंबल क्या है, आगे के वीडियो में इसका कुछ VI का स्टेटस के बारे में समझेंगे, कैसे ऑपरेट करता है और इसका क्या कनेक्शंस हैं, क्या होता है सोलर पैनल मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होते हैं, सोलर एरे क्या होते हैं, सोलर प्लांट कैसे बनता है, वहाँ पे कैसे ट्रैकिंग में लगा होता है, सब चीज़ धीरे धीरे यहाँ समझेंगे। बाकी इसके बारे में आप इसको देखिएगा डिटेल्स नॉलेज, और बाकी इसका जो नोट्स है आपको जल्दी दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।